कई बार ऐसा कंप्लेंट कर चुका हूँ कि हम कितना बार ये फॉर्म देते रह गए। आज मैंने कितना सारा लिया है पराठे, आलू के पराठे, नेपाली कांचे, यहाँ आ रहो। तो आज जाके बैंक में सबसे पहले वो फॉर्म जमा करूंगा, तब जाके मेरा आ जाएगा यूट्यूब पेमेंट। तो सुबह सुबह अम्मी देखो इतने सारे 100 बीमारी का एक दवा तोड़ के रखा है। गद्दारी कर तो हमारा साथ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। तो एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी, कल मुझे एक मैसेज आया था कि फाइनली आपका यूट्यूब पेमेंट आ चुका है, बट मुझे अफसोस इस बात का लग रहा है कि फिर से मुझे अब एक और फॉर्म जमा करना पड़ेगा जो कि एक हेडेक है। मतलब कई बार ऐसा कंप्लेंट कर चुका हूँ कि हम कितना बार ये फॉर्म देते रहेंगे, इन केस सपोज अब हम कहीं बाहर रहते हैं उसके बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारा फॉर्म कौन जमा करेगा, क्योंकि उसमें अपना सिग्नेचर लगता है ना। तो वही अभी फिर जाके बैंक में बात करना पड़ेगा, अब वो फॉर्म देना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म मैं आपको वो दिखाऊंगा, वो फॉर्म देने के बाद तभी जाके मेरा यूट्यूब का पेमेंट आएगा। तो ये एक अलग सा झंझट है, एंड अभी फॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी नहीं मुझे पता। एंड कई बार मैंने बीच में अप्लाई भी किया था, मतलब दिया था, उसका कंप्लेंट करने के बाद फिर उसके बाद 3-4 महीने नहीं देना पड़ा, अब फिर से जाके अब देना पड़ रहा है। तो आज जाके बैंक में सबसे पहले वो फॉर्म जमा करूंगा, तब जाके मेरा आ जाएगा यूट्यूब पेमेंट। तो एक चीज़ का खुशी भी है और एक चीज़ का झंझट भी है फॉर्म वाला लेकर। तो खैर आज शनिवार है और ज़्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा बैंक, 12-1 बजे तक, शायद आजकल 4 बजे तक भी खुला रहता है। पहले ऐसा होता था कि कम रहता था, पता नहीं, इतना बैंक में आना जाना होता नहीं है। तो अभी आया दुकान से घर पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह करके चलते हैं और सबसे पहले जाएंगे बैंक। और जहाँ पर अम्मी कर रहे हैं एकदम साफ सफाई, क्योंकि कल यहाँ पर हम लोग लेके आएंगे संडे के दिन में पुआर बोलते हैं। अब कैसे वाला वो देखो, वहाँ पर जो देख रहे हो ना, गाय को खिलाने के लिए लेके आएंगे हम लोग, कल जाएंगे शायद सुबह के समय में। सुबह सुबह अम्मी देखो इतने सारे 100 बीमारी का एक दवा तोड़ के रखा है। क्या चीज? और कौन अम्मी, तुम भी गया था क्या? जो भी हो भाई, ये है 100 बीमारी के एक दवा, और ये शायद अब अचार बनाने के लिए। तो इसको अगर आप सुबह सुबह खाते हो ना तो भाई आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं कभी कभी खा लेता पर इतना तोड़ने का हिम्मत नहीं करता, बहुत ऊपर ऊपर था। और एक चीज मैं बता, तो इसको खाने के बाद, आंवला को खाने के बाद आप पानी पियो, खाने के साथ ही साथ पानी पियो, उसके बाद जो मिठास मिलती है ना वो एक अलग लेवल का होता है, और ये बहुत फायदे वाला चीज होता है। तो ये अगर आपके पास है तो आप खरीद के खाओ, पर जैसे भी हो खाओ, बहुत अच्छा चीज है, जो कि मैं इग्नोर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तोड़ने के लिए थोड़ा सा आलस लगता है इसीलिए। और यहाँ पर अपना नींबू का अचार बन रहा है, शायद ये इसका वीडियो बनाया कि नहीं सकना पता नहीं, और पर मुल्ला का अचार का वीडियो बन रहा है, सकना बता रहे थे कि मैं इसका थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूँ, और एक दिन में ये पूरा प्रोसेस दिखा भी नहीं सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके वो बना रहे हैं। पता नहीं कब तक हो जाएगा ये कम्प्लीट, आपको देखने को मिलेगा। इधर देखो परी ब्लॉग, आप केक दिखाएगा, केक कौन सा वाला केक लेगा, कौन सा वाला केक लेगा परी मोबाइल वाला केक चाहिए, चलो मोबाइल में केक दिला देगा, चलेगा, चलो दुकान से खरीद के देगा केक। नाक चेपटी पौड़ी, नाक चेपटी बोलो, नहीं नहीं पौड़ी का नाक चेपटी है, देखिएगा, दिखा दो सबको, ए पौड़ी का नाक चेपटा है, नाक चेपटा है पौड़ी का। पौड़ी गुस्सा में, अभी डिस्टर्ब मत करो पौड़ी का ना पौड़ी। सुबह का ब्रेकफास्ट देखो एकदम मस्त वाला, गोभी की सब्जी और उसके बाद चावल, बस यही है आज का अपना ब्रेकफास्ट। रोटी को पूरा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा गर्मा गर्म, और गोभी देखो, वाह पूरा एकदम लेग पीस वाला, लेग पीस वाला गोभी। खाओ कैसा है, कितना टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, सब खाओ मत फेंको, और खाएगा, छाल लगा है, पानी लगाओ जल्दी से, जल्दी पानी। भाई ब्रेकफास्ट तो हो गया, और सकीना और दीदी में मिस कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ, सकीना ने भी एकदम मस्त लाल पाउडर डाल दिया और रेशमा दीदी ने भी एकदम मस्त हरा मिर्च डाल दिया, उसका कॉम्बिनेशन बहुत हालत खराब कर दिया, चीनी खाना पड़ रहा है। हाँ ये है फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि बैंक में देना पड़ता है, बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशली ये वाला फॉर्म है, एंड पता नहीं और दूसरे बैंक में कौन सा देना पड़ता होगा। एंड मुझे ये काफ़ी दिनों के फिल किया हुआ ना, तभी मैं भूल गया कहाँ क्या भरना है, यहाँ पर तो मुझे पता है कि US डॉलर रहेगा और कितना अमाउंट वो डालना है मुझे, बाकी सब इतने ज़्यादा
यूनिक वर्ड्स लिखे हुए ना समझना भी मुश्किल होता है, तब इसको बैंक में लिख के चलते और वहीं जाकर फिल करके जमा करके आते। ये बल्ब है क्या? वाह पूरा गर्मा गर्म कैसे लग रहा है ना? बहुत गर्म है, टेस्टी लग रहा है। इसके अंदर क्या है? नारियल है। नारियल खाओ मजे से। लाया क्या केक? लाना था ना केक भी तो भाई बहुत सही समय में एकदम खाने के लिए मिल रहा है ना। वही तो हमको भूख लगी रहा था, एकदम सही समय में मिला, एकदम मस्त टेस्टी वाला पॉप। बराबर जब भी तिनसुकिया जाते हैं ना तो ऐसा कुछ ना कुछ तो लेके आता है, कभी फल लेके आता है, कभी फ्रूट्स लेके आता है। फल फ्रूट्स एक ही होता है, ऐसे कुछ खाने वाला है, केक हो गया, बिस्कुट हो गया, ऐसे लाते हैं। अब खा के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम दिल में सुकून। और आज मेरे साथ ना ऐसा सब पॉप चीज़ हुआ है, क्या ही बताऊँ। सबसे पहले नहीं बता देता हूँ, तो आज शनिवार है और आज शनिवार के दिन में सुबह से करंट नहीं है, इनफैक्ट अभी भी करंट नहीं है। और उसके बाद आज है फोर्थ सैटरडे और मुझे पता नहीं था, मैं चला गया बैंक में अपना फॉर्म जमा करने के लिए, सोचा कि पैसे आ जाएंगे तो मंडे को जाऊंगा कुछ दुकान के लिए सामान वगैरह लेके आऊंगा, बट पता चला कि आज फोर्थ सैटरडे, उसके लिए बैंक भी बंद, मतलब दो दिन और होल्ड करना पड़ेगा मेरे पेमेंट के लिए। और मंडे को तिनसुकिया जाना ही है तो उस दिन फिर अपना फॉर्म जमा नहीं पाएगा। और उसके बाद करंट नहीं है, फोन भी चार्ज नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत। बट कोई भी नहीं, ऐसे ऐसे करते आज पूरा दिन खत्म, खाते अभी है। आज का दिन तो यही खत्म हो गया दुकान में बैठ बैठ के, और करंट नहीं था ना जिसका वजह फोन चार्ज नहीं, और फोन चार्ज नहीं होने की वजह से कहीं जा नहीं पाया। एक जगह जाने का प्लानिंग था बट वो भी कैंसिल हो गया, एक तो अब अभी 300 का सडनली चल गया वो, एंड सेकंड करंट नहीं था उसके वजह से। तो अभी बारी है दुकान बंद करके, और उसके बाद जाना है घर वालों के लिए थोड़ा सा पकौड़ी वगैरह लेके जाएंगे, काफी दिनों के लेके नहीं गया तो दुकान बंद करके कुछ पकौड़े वगैरह लेके चलते घर के लिए। अंकल के दुकान पे और गर्मा गर्म पकौड़ी लेने के लिए घर के लिए 40 का दीजिएगा आंटी, गर्मा गर्म पकौड़ी और एक अंडा चॉप हमारे पैकिंग कर दे, हमें खाम वो खाने, और पैकिंग करना नहीं अभी खाएगा, ठीक है पैकिंग बोलते हैं। एक तो आंटी पकौड़ी वो दीजिए, तो अंडा चॉप उसको चटनी देंगे, हाँ अंडा चॉप काफी। ये है टोटल 40 रुपए के पकौड़े, निकल दे भाई, एक हाथ से यही दिक्कत होता है। मेरी सुबह तुम मेरे सुबह तुम ही हो शाम हो, जिसको पकौड़े खाना है जल्दी आ जाओ। नेपाली बने को परी बा चटनी खाएगा, चटनी खाना इतना टेस्टी है, देखो हाँ वाला चटनी खाओ, थोड़ी खाओ ला, किसको नहीं मिला है? आबा को नहीं देना, अमी लिया है सभी ना, नया मत खा तेजी बात नेपाली कांची, मत खा तुम, बहुत खाओ, हम खाएगा, हमें मंगाया, हमको ही नहीं मिला है। ये इसका है को बंग, ओ क्या नाम है उसका, दे दो उसको, परी खा के दिखाओ नेपाली कान्छी, यहाँ हेर ओ कस्तो लाग्दैछ, कस्तो लाग्दैछ, कस्तो लाग्दैछ, नै बोल रहे तिमी नेपाली छौ नि, कान्छी हो इतना झाल है मिर्चा ठो, हमको बना के खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? कितना तो खिलाएगी? 5 तो खिलाएगी। अभी तक कितना बना दे परे? परे? रुकेगा अभी? बाप रे बाप, पूरा डाल रहा था। मम्मी बना रहा है? तो आप क्या कर रहे हैं? काम बिगाड़ रहे हैं? हाँ? ये क्या चीज़ है परे? हाँ? आलू है। और? और
ठीक है जल्दी जल्दी बना, भूख लगा है। हाँ भूख लगा है। बाप रे आटा तो पूरा खतरनाक से लगा रहा है। काफी दिनों से मैं अपना सेक्रीफाइस कर रहा था हैंडसम फेवरेट रोटी एंड उसका फाइनल रिजल्ट ये निकला। इतना दिन बर्दाश्त करने के बाद आज मैंने कितना सारा लिया पराठे आलू के पराठे एक दस। क्या लगता है खा पाएगा परी? खा पाएगा परी? खा देगा पूरा पूरा खा देगा पूरा खा खा देगा हम सब खाएगा हम सब खाएगा हमको भूख लगा है। और सब कौन खाएगा? हम खाएगा। तो अपना रोटी को ऐसे लेना है और उसका कैसे कैसे खाऊंगा मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा करके। बाप रे इतना बाप हो गया दो बार में इतना खत्म पूरा टाइम हो गया। और अब चाय आ गया और हीरोइन को देखो मोबाइल चलाने की स्टाइल बिंदास बिंदास बन गए। अब तो और जल्दी खत्म हो गया इतना मुंह में भर गया कि चाय का जगह नहीं हो रहा। गाइस सब खा लेते उसके बाद आपसे मिलते हैं खत्म होने के बाद। एक्चुअली मैं बस ऐसे मजाक कर रहा था कि सब खाऊंगा पर नहीं खा पाया। अभी तक मैंने सिर्फ चार खाए जो कि एक मैंने अपना में खा लिया और सकीना का वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने दो खा दिए सिर्फ और उसका बहुत ज्यादा टाइट हो गया। तो आज का यही वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तब तक मैं ये फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। अच्छे से रहेगा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, राकिन दे, टेक केयर, टेक केयर। ये गद्दारी कर तू हमारा साथ, मेरा वीडियो मेरा वीडियो मेरा नहीं करते, गद्दारी करती है। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, बोलो गुड नाइट, बाय। मेरा मैं गद्दारी करता, मेरा मैं नहीं बोलता, बोल तेरे भी तो बोल रहा है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट कर दो, बाय कैसे करते हैं, बाय, टेक केयर, बाय, पा दे दो, पा दे दो सामने से, पा दे दो अभी तू, मैंने इसलिए तेरा सोच के बना रहा है, पा दे दो सामने से। हो गया, गुड नाइट, गुड नाइट।